यहाँ पे प्लानिंग हुआ पहले गाइस, क्या मैम को बोल दिया जाए। तो गाइस गोलू का देखना क्या हुआ आज। गोलू आज क्या हुआ तेरे साथ? पैथोफिजियोलॉजी। तो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एक नंबर से होंगे गाइस। तो सुबह सुबह गाइस बेड छोड़ने का जी नहीं करता है क्योंकि रात में भी थोड़ा लेट से सोए थे गाइस, और अभी तो हमें 9 बजे से पहले जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, नहीं तो एंट्री बैंड सीधा सीधे गाइस। अगर 9:01 में भी अगर आप गए डिपार्टमेंट तो एंट्री डायरेक्ट बंद हो जाएगा, और अभी हमें उससे पहले जाना पड़ेगा गाइस। लेकिन बैट छोड़ने का जी नहीं करता है गाइस, बस और 2 महीना है, बस 2 महीने और दिक्कत है गाइस। बस सहले, थोड़ा सहलो गाइस, सहलो, हम भी सह लेते हैं, आप भी सहलो। तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, बिना नहाए निकल जाते हैं यार। अभी नहाना इतना कंपलसरी भी नहीं है और इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं आया नहाने वाला, ठीक है। अभी अर्जेंटली फ़ोन आया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सामने आओ तुम और आशीष, हम आशीष को फ़ोन करके बोला। कौन सा कांड कर दिया अपना लोग, कौन सा क्राइम कर दिया भाई? तो आशीष गाइस टेंशन में हो गया, कोई ऐसा क्राइम तो नहीं कर दी है। सस्पेंस बन रहा यार, क्या बात आखिर ऐसा है। कोई ना मैम, चंदू भी पहुँच गया और यो भी पहुँच गया, नेक का इंस्पेक्शन है। हम लोग बोर्ड मेंबर हैं और हम लोग ये इंस्पेक्शन और बैठा दिया गया, देखना हमारी ब्लॉग में काली आती है तू यार। प्लीज़ ये काली नहीं है, ये गोडी है, मान लेना आप, काली नहीं है ये, हमारी ब्लॉग में ही सिर्फ आ जाती है, हमारा कैमरा का डाउट है गाइस। प्लीज़ आप इसे गोडी कमेंट कर देना, गोडी। हाँ शक्ल बढ़िया है, कैमरा ख़राब है, हाँ थोड़ा सा कैमरा ख़राब है भाई, कोई बात नहीं। ये पालतू कुत्ते को देखना, गाइस मैम बोल रही है 1 मिनट में आना, तो आना है, जाना तो जाना है। मैं अभी गए कुछ काम से, तो मैम बोल रही है ठीक है चले जाओ, तुम्हें 1 मिनट में फोन करेंगे, फिर दौड़े दौड़े आ जाना। अब यार नहीं हो सकता ऐसे, देशभक्त के लिए तुम टाइम भी नहीं निकाल सकते, अपने पास टाइम भी बहुत कम है यार। कल हम चलते हैं रूम पे, रूम पे जाएंगे भाई, हमको बुला लिया फालतू को, कोई बुलाया है नहीं है ना। इसको कोई नहीं बुलाया, इसे तो बस झोल देके बुला लिए हम लोग, कि हम लोग भाई झोल में पड़े तो इसे भी झोल में पड़ा देते हैं गाइस। अब नहीं हम लोग बाहर घूम जाके, देखो गिरवाल का, गिरवाल इधर भटक रहा है लड़कीबाजी करने, बट इसका डिपार्टमेंट है गाइस ये देखना। और इधर ये भटक कहाँ रहा है, डेंटल पढ़ना गाइस, क्या है फैकल्टी ऑफ डेंटल। हाँ भाई आ गया डेंटल का देख के, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कैसे बढ़िया भाई, कहाँ तैयारी हो रही है? बस जा रहे थे चाय पीने, आजा चाय पिएगा। चाय पी गया मैं, और बस ठीक ठाक। कहाँ जा रहा है? कंपनी कटिंग इसी में आया मैडम, कटिंग कल करवाना है, कटिंग भी करवाना है, कटिंग करवाना है। चाय पी गया, चाय बड़ी बढ़िया बना रखी है। कौन सा साइन किया हुआ है? फोन के पीछे है साइन। एग्जाम कैसा हुआ? 1 नंबर। एक भी कप चाय नहीं पी, इसलिए लग रहा है दिन नहीं बन रहा है। चलो सबसे पहले चाय पीते हैं और दिन बनाते हैं अपना, ठीक है। और आपको नए नए बंदे से मिला, आज का दिन बना ही लेना है पहला। हाँ भाई तेरा क्या, तेरा दिन बनेगा या रात? तो हमारा तो रात ही ख़राब है भैया, सुबह रात से खांसते खांसते तो 5 बज गया है, नींद ही नहीं आया। खांसी हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया। कोई बात नहीं, ठीक हो गया। रात में भटकने भी तो जाता है, तो कहाँ कहाँ भटकता है? यहाँ पे प्लानिंग हुआ पहले गाइस, क्या मैम को बोल दिया जाए कि मैम क्लास से ही अंदर आया है। मैं बोलती क्लास नहीं लेने क्या गया, क्लास ही लही है, अटेंडेंस क्या चीज का जाना बस। ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੇਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੇ ਨਾ ਸਭ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਾਹੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। आज गया क्लास बच्चे का, मैम क्लास ही नहीं था आज, क्लास जाना चाह रहा था बट क्लास ही नहीं था। कल को जाएंगे देखना, मैम वही नहीं आया, वो ही नहीं होगा कल को। मैम को बोल रहा था मैम अटेंडेंस लगा देना, मैम बोल रही है आज तो क्लास ही नहीं है बच्चे, कैसा अटेंडेंस, कौन अटेंडेंस। फिर समीर सोच रहा है ये तो गलत हो गया, बेकार टोक दी। हम लोग देश भगत के उस दृश्य पे बैठे हुए हैं जहाँ से तरह तरह के सुंदर कुमारी कन्याएं का दृश्य दिख रहा है, और ठंडा भी है, धूप भी आ रहा है, बस शिमला की मजा ले रहे हैं शिमला का। और आगे रोड माल रोड, शिमला का माल रोड है। आइए गाइस शिमला का माल रोड, ऐसा गलत मत सोचो ना, शिमला में वाकई में माल रोड है, इसलिए हम ये रोड का नाम दिए, आप लोग गलत मत सोच लेना।
कि सुट्टू भैया आप लोग यही काम करते हैं क्या पूरा कॉलेज में? नहीं, हम लोग ये काम नहीं करते हैं भाई। बस ऐसा फील आ रहा है कि शिमला में बैठे हुए हैं, कुछ रशियन टाइप दिख रही हैं आगे तो रशियन देख रहे हैं। कहा जा सकता है कि शिमला लड़ाई हो गया था अभी दोनों में तगड़ा वाला। तुम्हें पता है ये खुद ये एक यूट्यूबर है गाइस, सुपरस्टार अमिताभ, जाके खोलना। 1.5 मिलियन सब्सक्राइब, 1.5 मिलियन सब्सक्राइब है भाई का, भैया का चैनल। तो गाइस इसे रोस्ट भी किया भाई, भाई ये टैलेंट है। लक्ष्य चौधरी रोस्ट किया, उसके लिए भी बहुत टैलेंट है, होना चाहिए, हर बंदे को रोस्ट नहीं कर देता है। तो गाइस ये भाई को रोस्ट किया, बताओ इसका सब्सक्राइबर है गाइस 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब आप समझ रहे हो, 15 लाख लोग ऐसे इसको जान रहा है भाई। ये भी बहुत बड़ा स्टार है, अभी बहुत बड़ा स्टार है, स्टार आ रहा है उधर। ये स्टार यूथ जल्दी पैसा कैसे कमाए, स्टूडेंट लाइफ में पैसा कमाने का आसान तरीका, जल्दी डूबे पैसा कैसे जल्दी डूबे तो उससे सीखिए। तो हाँ जी बताइए, दो टाइप का एप्लीकेशन है, कहता है लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है, शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म जो एप्लीकेशन है उसमें अगर प्रॉफिट कमाना है तो पता लगाइए कि एप्लीकेशन कब लॉन्च हुआ है। जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है वहाँ से 2 महीने तक लगा दो, नहीं उस दिन अगर लगा 7 दिन तक चलता है शॉर्ट टर्म, 7 दिन तक चलेगा। जिस दिन लगा दिए 100% है, किसी को रोकने से रुकेगा नहीं, वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा 1,000, 12,000, 2,000। और जो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन होता है वो आप तो कभी मतलब अब देखिए उसमें जब उसमें प्रवेश कीजिएगा तो उसमें आपको देखिए पैकेज किस टाइप से आपको शो कर रहा है। अगर कम पैसे में ज्यादा मुनाफा अगर शो कर रहा है तो समझिए आजकल में भाग जाएगा। अगर कम रुपये में अगर ज्यादा रुपये में आपको कम चीज दे रहा है इसका मतलब अभी 1-2 महीने मतलब 2-3 महीने वेस्ट रहेगा। ज्यादा ज्यादा जब उसको कमीशन देने लगे आपको 4,000 का पर डे 500 रुपया देने लगेगा, समझिए भागने वाला है, इसमें उम्मीद लगाना बेकार है। तुम कितना कमा लिया अभी तक? अभी हम 70,000। 70,000 कितने से? 4,000। ओ भाई उसे स्कीमें बता, आजा आजा तेरे लिए स्कीम लेके आए नया, आजा 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 तेरे लिए स्कीम लेके आए नया। गर्लफ्रेंड 4,000 दी थी, वो भी लड़की दी थी 4,000। हाँ भाई, किसी के सक्सेस के पीछे कोई लड़की का हाथ है भाई, इसलिए गोलू तुम सक्सेस नहीं किया आज तक, तेरे पीछे कोई लड़की लगी आई है। हाँ भाई इसे स्कीम बता दे, उसके लिए बहुत चाहिए। 4,000 गोलू तो दिमाग का तार छोड़ रहा है ऐसा लग रहा है भाई। देखना गाइस इसका एक्टिविटी देखना, कुछ पगलपंती वाला नहीं आ रहा है, इसे चाहिए बंदी। गोलू हमारा जूनियर से, ये फर्स्ट ईयर में है और इसके साथ क्या घटना हुआ ये अपने मुंह से गोलू अभी खुद बताएगा। तो गाइस गोलू का देखना क्या हुआ, गोलू आज क्या हुआ तेरे साथ बताना कुछ। आज सबको दी ये टॉपिक सेमिनार के लिए, हाँ डिजीज, एक एक डिजीज दे दी कि तुम ये डिजीज है तुम ये इसका सेमिनार दोगे, मतलब बोर्ड पे जाके अच्छे से समझाओगे उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। अब हमको तो कोई मिला नहीं, मैम को बोले तो मैम बोली देते हैं फिर चली गई। अब भाई सबको मिल गया, हम कहे चलो यार एक काम करो सबका देखेगी जो सबको जो जो मिला है, हम कहे चलो भाई जो जो जिसको जो जो टॉपिक मिला सब हमको भेज दो। सबको क्या किया कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिए, मैं इनकिलंट पूरा एक ही बार में पढ़ जाना है। तो गाइस इससे आ गया गुस्सा, पता है ये सोचा जितना सब हुआ ऐसा इसके साथ, मैम तुम्हें इग्नोर कर रही थी, मैम सोच रही ये होगी तुम्हें पढ़ने वाला, तुम बच्चा उच्चा है नहीं इसलिए तुम्हें टॉपिक वो पिक नहीं दिया। बात नहीं भाई, हमको अब सामने वाला क्या सोच रहा है पढ़ने वाला है नहीं उसे, इसलिए मैम तुम्हें टॉपिक नहीं दी होगी। और इसे गाइस ये होता है जुनून, देखो गाइस जुनून बच्चे में कितना, जितना जितना था ना हर एक डिजीज जितना डिजीज है सबको लेके नोट कर लिए। तो ये अलग इंग्लिश में मैम को गाइस बहुत ही रिक्वेस्ट किया, मैम हमें दे दो एक कोई टॉपिक, लेकिन मैम तो कोई टॉपिक इसे दी नहीं, और मतलब बोला तो था ना मैम को। हाँ, लास्ट तो वो कब का 5 दिन पहले टॉपिक मिल गया था, हम तो आज गए क्लास तो आज बोले मैम हमको भी कोई टॉपिक मिलेगा क्या, हमको तो मिला ही नहीं, मैम कह रही देते हैं फिर नहीं दी तो हम कहे चल मैम गुस्सा में आया बोला जितना टॉपिक है सब दो पढ़ेंगे एक ही बार में खत्म ले। एग्जाम में भैया लेकिन एग्जाम में लिखने में दिक्कत हो रहा है यार। कोई दिक्कत नहीं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं है गाइस, ये फर्स्ट ईयर में आया इसलिए थोड़ा भी टेंशन बहुत ज्यादा टेंशन में है ये ना, कोई ना तुम लास्ट ईयर हमारे उम्र का आते आते फिर तुम टेंशन फ्री हो जाओगे।